नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, कल सुबह 11:30 बजे से आपके किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। आपके 5 बड़े सपने सच होंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरे 777 साल बाद बना ऐसा महासंयोग अब आपका किस्मत अचानक रफ्तार पकड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह सब आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है, अच्छे कर्मों का फल है, जो कि आप पिछले समय अंतराल में कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किए हैं, लोगों का भला किए हैं, जो कि भगवान आपके कर्मों से प्रसन्न हुए हैं और आपको उनका फल दे रहे हैं। दोस्तों, गीता में, ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इसलिए आपका एक अच्छा समय शुरू होने वाला है। ऐसे में दोस्तों, आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलतियां ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें और इस समय का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं और इनका भरपूर सदुपयोग करें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि यह समय ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगा। यह समय कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए सावधान जो है लाभकारी रहेंगे, सारी बातें विस्तार से बताएंगे। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट में लिखें, जय माता दी, माता रानी आपके और आपके पूरे परिवार को मुसीबतों से बचाए रखेगी। तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस समय आपको अपने जीवन में दो ही विकल्प मिलेंगे और दोनों में से किसी एक को भी छोड़ना आपके लिए समान दर्दनाक होगा। आपको जब अपने दिल की सुननी चाहिए और अपने खाली समय में अपने लक्ष्यों की सूची बनाएं, लेकिन उनकी जो है प्राथमिकताएं भी तय करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है और आप उन्हें जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लेना चाहती हैं। इसके उपरांत आज का दिन आपको थोड़ा परेशानी का अनुभव होगा, खुद को थोड़ा तनाव में पाएंगे, गर्दन में दर्द और खांसी जुकाम की समस्या हो सकता है। आपके लिए सुझाव यह है कि हर 2 घंटे में काम कर लेने के बाद गर्दन को आराम दें तथा उठकर टहल लें, थोड़ा अंगड़ाई भी ले लें और शरीर को आराम दें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत आराम के समय मसाज या फिर किसी थेरेपी की मदद भी ले सकते हैं। जैसे ही आप मसाज के लिए बैठें, अपनी समस्याओं को कुछ देर के लिए एक तरफ रखना बिल्कुल ना भूलें। इसके उपरांत आपके संबंध में धीरे धीरे बिना कही बातों पर अनसुलझे मुद्दे के कारण दरार पड़ रही है और दरार आ रही है। आप इस डर के कारण उन्हें अपने सामने नहीं लाना चाहती हैं कि कहीं इससे रिश्ता टूट न जाए। हालांकि आज आप सामान्य रूप से देखिए सामना करने वाले मूड में रहेंगे और जो जो बातें आपको पसंद नहीं आई है उन सभी को बातचीत करके स्पष्ट कर लेना चाहेंगे, जो कि आपके दिशा रहेगा। इसके उपरांत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और आप सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते रहें। आज आपके इन गुणों की बहुत सराहना की जाएगी और उनके लिए पुरस्कारित भी किया जा सकता है। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए अद्भुत सलाह भी मिल सकती है और आपको वो सब पा सकती हैं जो अपने बलबूते पर पाना बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। कुल मिलाकर आज का दिन तारीफ और प्रशंसा से भरा रहेगा। आपके बेहतरीन कामों के लिए पुरस्कार भी मिल सकती हैं और आपकी सोच के साथ बने रहने की खासियत से आप अपने प्रतिस्पर्धा करने वाले कई लोगों के रोल मॉडल बन पाएंगे। आज कोई फैसला क्रियान्वित करने से पहले एक बार फिर से सोच लें, दोबारा सोचना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत आपको किसी भी मैदान में बिना सोचे समझे कूद पड़ने की जगह सभी पहलुओं के बारे में संवेदनशील होकर दिमाग की सुननी होगी और सोचना होगा। तो आपके फंसाती का समय का है और आपके लिए यह समय रोमांच और मजे करने का है, बल्कि टेंशन लेने का नहीं। अगर आप
रोमांस में अपनी कल्पना का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अपनी कल्पना को रोमांस तक सीमित रखें। ऑफिस में आपको इन अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे, जिससे मन थोड़ा सा चिंतित रह सकता है। और आप और आपके साथी आज जीत की स्थिति बनी हुई है, आपकी देखिए कामुक भावना पर हावी हैं, जिसके कारण आप मजबूर हैं। इसी तरह की आग दूसरी तरफ भी विद्यमान है, सचेत रहें और पूछें कि आप निराश तो नहीं लौटेंगे। सिर्फ एक छोटी सी कोमल और देखभाल वाले दृष्टिकोण की आवश्यकता है, और वैसे भी आप इस समझदार हैं और एक समझदार साथी आपको ज़रूरत है। इसके उपरांत दिन के शुरुआत में ही अपने सभी कार्य खत्म करने की कोशिश करें, आपको दिन के उत्तरार्ध में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। किसी भी क्रय या विक्रय में सावधानी बरतें, अन्यथा आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकती हैं। आपको इस बात की बहुत नियंत्रण करना होगा ताकि आप अपने खर्चे को भी संतुलित कर पाएंगे। इसके उपरांत आपकी प्रकृति उत्सुक और आत्मनीय है, और आप किसी भी प्रकार का नियंत्रण पसंद ना करती हैं। आपको ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके स्थान पर खुशी और प्यार दें, और आपको भी बदले में खूब सारा प्यार और मान सम्मान मिलेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, अपने काम की मारामारी वाली ज़िंदगी में अपने सहकर्मियों के साथ किसी छोटी यात्रा पर भी जाकर रंग भर सकती हैं। इसके उपरांत आपके ऑफिस में काम का दबाव आपको तनाव दे रहा है, इससे आपकी सेहत भी प्रभावित हो रही है। आपको इस तनाव से बाहर पाने का कोई उपाय ढूंढना होगा, जिससे आप पिछले कुछ समय से मजबूर और जूझ रहे हैं। फिलहाल राहत पाने के लिए या तो मसाज पार्लर से अपॉइंटमेंट ले लें, या फिर किसी देखिए ध्यान की कार्यशाला में भाग ले सकती हैं। सुबह की सैर भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय आपका पिछला अफेयर आपको अभी भी परेशान कर रहा है, और ऐसा कई बार हो चुका है। आपको पिछले कड़वे अनुभवों से परेशान न होने दें। हालांकि अब भी आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको पिछले मज़ेदार दिनों की याद दिला रहा है, और आप इस आदमी के साथ एक नई शुरुआत की कोशिश कर सकती हैं। बस अपनी कोशिशें सफल होने का इंतज़ार करें, आपको फ़ायदा होगा। इसके उपरांत आज आप अपने सहयोगियों और ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। आज कुछ ऐसा नया करने के लिए ये दिन काफ़ी अच्छा है, जिसमें आपके प्रभावशाली कौशल की भावना हो सकती है। हालांकि जो लोग बीमार हैं, वो लोग घर में रहकर कोई काम शुरू कर सकती हैं, इससे अप्रत्याशित रूप से आपके काम की गुणवत्ता में सुधार होगा, और उस समय की जो है बचत भी होगी, जो कि यात्रा में आप बर्बाद हो रहे हैं। कुल मिलाकर समय कभी उतार कभी चढ़ाव बना रहेगा। आपको समय के साथ चलना होगा, मन को शांत रखना होगा। दोस्तों, अगर इन जानकारियों से सहमत हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।